फिर से एक नई सुबह हो चुकी है हमारे इस पुराने घर में। एंड गाइस अपने पुराने बिस्तर पर सोकर काफी मजा आया यार। चलो भी अपने काम धंधे पे लग जाते हैं। लेकिन एक सेकंड, आज की तारीख क्या है? 25 अक्टूबर। ओह शिट, 25 अक्टूबर। यार दोस्तों आपको याद नहीं होगा कि 25 अक्टूबर को क्या था, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। आज बागा का बर्थडे यार, शिट। और बाबूजी आप इधर क्या कर रहे हो, जाओ। मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि बागा का बर्थडे सुनकर मैं इतना परेशान क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं है बागा ना बहुत ही बड़ा हलकट है। उसने ना अपने पिछले वाले बर्थडे पे ना एक बहुत ही बड़ा हेलीकॉप्टर मांग लिया था, और फिर उससे पहले ना एक बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर मांग लिया था। तो इसके हिसाब से वो अपने ये वाले बर्थडे पे यार कहीं सबमरीन नहीं मांग ले यार, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कभी बाय चांस उसने कोई इसी बहुत ही बड़ी चीज मांग ली ना, तो फिर तो यार मैं बता रहा गाइस, वैसे भी पैसों की तंगी की वजह से मैंने इस साल दिवाली भी नहीं बनाई। तो यार मैं क्या करूं यार, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अभी। अरे आइडिया, अपन एक काम करते हैं, अपन ना ऐसी एक्टिंग करते हैं कि आज ना कुछ है ही नहीं, सिंपल अपना जो भी काम रहता है ना सुबह का अपन वही करते हैं भाई। चलो तो भाई फिर नीचे चलते हैं। अरे बाबूजी यार साइड में हटो यार, ये डाकू जेठालाल। सही में यार ये बाबूजी तो अपनी कभी भी इज्जत नहीं करेंगे। अपन तो एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं और ऐसा बिहेव करते हैं कि आज कुछ है ही नहीं। गुड मॉर्निंग बागा, क्या बात है, खेती वेती हो रही सुबह सुबह? चल भाई फटाफट जाके नाश्ता बना। अरे एक सेकंड, क्या बोल रहा है ये? आपको याद है ना आज एक खास दिन है। ए? कौन सा खास दिन भाई? कोई खास खास दिन नहीं भाई, ज्यादा ना नाटक मत कर, जाके ना काम कर। यार गाइस ये देखो बागा अपने को अपने बर्थडे की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपन ऐसी एक्टिंग करेंगे जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं है। तो इसलिए भाई अपन तो अपना काम करते। देखो अभी टाइम हो रहा है 9:30, और 9:30 बजे गाइस अपना आता है तारक मेहता। तो चलो अपन तो बैठ गए यहाँ पर मस्त तारक मेहता देखते हैं। ओ माय गॉड, कितने सारे यार एपिसोड अपने यार पेंडिंग रह गए। चलो फटाफट से सारे के सारे अपन निपटा देते, बहुत मजा आने वाला है बीडू। यार बाघा क्या कर रहा है तू यार? अबे टीवी के सामने खड़ा क्यों हो गया भाई? यार मैं तारक मेहता देख रहा हूँ यार, मुझे डिस्टर्ब मत कर यार। यार जगह फटाफट जगह नाश्ता बना, क्या कर रहा है तू इधर? यार ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे एक और किताब दे दी इसने। चलो देखते क्या बोल रहा है ये। याद करो आज बहुत खास दिन है। यार ये तो अपने पास ही रख, कोई खास खास दिन नहीं है भाई, जाके काम कर फटाफट, नाश्ता बना, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो बता ना मैं तारक मेहता देख देखते नाश्ता करता हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहा है? ओ भाई किचन इधर है, यहाँ जाके फटाफट से खाना बना, जा तो फटाफट से, मना बहुत मारूंगा तुझे मैं। यार गाइस दिमाग खराब कर रखा है मेरा इसने। चलो भाई फाइनली इतने दिनों बाद शांति से अपन बैठ के तारक मेहता देखेंगे, अब बस नाश्ता आ जाए। चल बागा फटाफट से नाश्ता लेके आया, यार कहाँ मर गया तू? चलो भाई, हाँ थैंक यू। अरे क्या बात है, बहुत सारा नाश्ता बना दिया इसने तो। चलो खाते गाइस अपन। अरे भाई क्या क्या कुछ काम है क्या? मेरे मुँह पे क्यों खड़ा है? जा यहाँ से, भग जा, मुझे तारक मेहता देखने थे। यार अजीब आदमी यार ये, जाके ना संडा साफ कर, बहुत गंदा हो रहा है, बाबूजी ने बहुत ज्यादा गंदा कर दिया है। चल तो निकल तो यहाँ से, यार दिमाग खराब कर देगा इसने मेरा। देखो टीवी के बार बार सामने आ जा रहा है। काफी दिन बाद बागा के हाथ का खाना खा रहा हूँ। ए छी, ए क्या ये? अरे भाई उल्टी आ रही, मेरे को सही बता रहा हूँ कसम से गाइस, उल्टी आ रही बहुत खतरनाक वाली एकदम। यार इसने तो मुझे एकदम जला हुआ खाना दे दिया यार, छी ये कहाँ ही बुड़बक। अरे क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर खेती चालू कर दी? ओ भाई क्या कर रहा है तू ये सब? यार मेरा घर खराब मत कर भाई। और क्या ये तूने क्या बनाया भाई खाने में? छी एकदम सब जला जला बिल्कुल दे दिया मुझे। यार भाई बाघा मैं तुझे बहुत मारूंगा यार, तुझे जॉब से निकाल दूंगा मैं। जाके भाई मुझे ढंग का नाश्ता बना के दे, क्या दे रहा है तू ये सब मुझे? अरे यार गाइस ये बार बार मेरे को क्या बोले जा रहा है यार। चलो देखते हैं, दिमाग पर जोर डालो सेठ जी, आज बहुत खास दिन है, वही मैं आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। यार बागा आज कोई खास दिन नहीं है भाई। कौन सा खास दिन है भाई आज? आज ना गांधी जयंती है, ना आज समझ लो कोई फेस्टिवल है। दिवाली को भी बीते भी 10 दिन हो गए भाई, कोई खास दिन नहीं भैया आज। और तो सब ये सब क्या कर रहा है भाई, घर खराब मत कर मेरा। जाके देखो खेती करने तो वहाँ करना, अपने खेत में भाई। ए बागा मैं बोल रहा हूँ, चुपचाप से ना पूरे घर का काम कर भाई, सफाई वफाई ना सब कर दे फटाफट से, यहाँ पर झाड़ू लगा दे। मैं ना अभी 2 मिनट में नहा के आता हूँ, मुझे यहाँ पर पूरा घर एकदम चकाचक साफ चाहिए। मना मत कर भाई, सैलरी काट लूंगा तेरी मैं। पूरा काम कर एकदम सही साठ, वरना बता रहा हूँ मैं बहुत मारूंगा मैं, उल्टा लटका लटका के मारूंगा। लातों की भूत ना बातों से नहीं मानते। चलो गाइस अपन तो चलते हैं नहाने के लिए। यार कितनी कोशिश कर रहा बाघा अपने को अपना बर्थडे याद दिलाने की, लेकिन आज मैं इसका बर्थडे याद करने ही नहीं वाला बिल्कुल भी। चलो भाई फाइनली ठंडे ठंडे पानी का मजा लेते हैं। यार यही बेनिफिट होता है अपने वापस से घर में आने का, एकदम चिल वाली जिंदगी हो जाती है यार, क्या बात है। एक सेकेंड यार, ये बाघा यहाँ पर क्या कर रहा है यार? ओए बाघा देखो मैंने सफाई करने का बोला, तू यहाँ पर क्या आ गया भाई, क्या कर रहा है तू? अरे क्या बोले जा रहा है यार ये? मैं सुसु कर रहा हूँ। देखो भाई इसकी हरकत, देखो भाई सुसु कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर नहा रहा हूँ, तू मेरे सामने यहाँ पर सुसु कर रहा है? भाई तू क्या चाहता है कि मैं तेरे सुसु में ना हूँ भाई? पागल वागल लेके यार, यार बागा तू बहुत हद पार कर रहा है यार, प्लीज इनफ इज इनफ, जाके फटाफट से काम कर यार। मैं बता रहा हूँ मैं सिर्फ तेरी पगार नहीं काटूंगा, बल्कि देखो इस महीने की पगार दूंगा ही नहीं भाई मैं। जाके फटाफट काम कर, जा फटाफट, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, भाग, पूरी झाड़ू लगा जल्दी से, चल निकल यहाँ से। गाइस तेरे बागा पागल हो चुके मुझे लग रहा है।
यार ये बाघा अपना ना बर्थडे याद दिलाने के लिए ना कोई भी हाथ पार कर सकता है भाई। यार इस पर आप लोगों को नजर रखना पड़ेगा, कहीं उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। चलो भाई ठंडे ठंडे पानी में नहा के मजा आ गया, देखते बाघा क्या कर रहा है। एक सेकेंड, ए अरे ये क्या, ये बाघा ने क्या कर दिया? ओ शिट, ओ अरे बाप रे बाप, इतनी गंदगी फैला दी हर जगह, जाले जाले। भाई भाई अरे भाई तू क्या कर रहा है ये, और ये क्या है ये? यार तू तो बहुत हद पार कर रहा है भाई, घर में टट्टी कर जिसने हर जगह इतनी सारी चीजें। यार इतना कौन हंगता है यहाँ पर, हंगना बंद कर, क्या कर रहा है तू? ए बाघा तेरे को सफाई करने का बोला था और तू यहाँ पर गंदगी फैला रहा है मेरे घर में। यार इट इज जस्ट इनफ यार मैन, रुक जा। और बाप रे बाप ये तो पागल हो चुका है गाइस, देखो तो सही। अरे रुक जा, बस 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 रुक जा बाघा, मैं बता रहा हूँ बहुत मारूंगा तुझे, रुक जा अभी, बहुत हो गया तेरा। बाघा तू ये सब क्या कर रहा है यार, तेरा दिमागी संतुलन हिल गया है क्या? यार ये क्या बोले जा रहा है बार बार, यार क्या बोल रहा है ये? यार तुम्हें मेरा बर्थडे याद नहीं है ना सेठ जी, इसलिए मैं बदला ले रहा हूँ। अच्छा तो ये सब हरकतें तो इसलिए कर रहा है ताकि मुझे तेरा बर्थडे याद आ जाए? अरे भाई ऐसा भी कौन सा खास दिन है, बर्थडे तो है। चल ठीक है, जब भी तेरा दिल रखने के लिए ना मैं 2-3 रुपए का केक काट देता हूँ। अच्छा तो मतलब केक के अलावा और कुछ भी चाहिए क्या? यार गाइस देखो आ गया ना ये अपनी औकात पर, दिखा दी ना इसने अपनी औकात। मुझे मालूम था 100% गिफ्ट के लिए कुछ कर रहा है। चल ठीक है बता क्या है तेरी डिमांड, क्या चाहिए तुझे अपने बर्थडे पर? गाइस ये क्या डिमांड कर रहा है, iPhone 15 Ultra Pro Max। अपनी शक्ल देखी आईने में? तो भाई अगर तूने अपनी शक्ल देखी तो मालूम है ना कितना महंगा आता है आईफोन। यार ये क्या बोल रहा है ये, मैं दिमाग खराब कर दिया इसने मेरा। मुझे एक आईफोन लाके दो वरना मैं घर छोड़कर चले जाऊंगा। चल चल ऐसी ना छोटी मोटी धमकियों से मैं डरता नहीं हूँ, देखो घर छोड़कर जा रहा है तू चले जा, और उससे पहले ना एक काम करना ये सब साफ करके चले जाना, आईफोन तो तेको मैं देने नहीं वाला भाई। देख रहे हो गाइस आजकल के नौकरों के कितने ज्यादा नखरे पड़ गए, आईफोन की डिमांड कर रहे हैं भाई। साला आईफोन तो मैं खुद अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, नौकरों को चाहिए आईफोन है। ओ बागा जल्दी से सब साफ कर देना, वरना मैं बता रहा हूँ बहुत मारूंगा पकड़ के मैं। भाई तू जितना भी मना कर ले लेकिन देखो साफ करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। यार शीट मेरे पैर गोबर में भर गए यार। चलो गाइस अपन चलते ऊपर, ये बागा को झक मार के सब कुछ साफ करना पड़ेगा, मुझे मालूम है वो कर देगा। चलो जब तक अपने काम करते अपन तो सोते हैं भाई। अरे यार बाबूजी आप भी क्या करते रहते हो भाई, नल्लू की तरह घूमते रहते हो, कुछ काम वाम कर लिया करो। चलो भाई अपन तो आराम फरमाते हैं। चलो भाई एक और नई सुबह। ओ गाइस अपन चल के देखते कि बाघा ने काम करा कि नहीं करा। गुड मॉर्निंग बाबूजी, पाए लागू। अरे ये बाबूजी तो अपने कमरे में चले गए, चलो इनको जान दो। अपन तो चल के देखते हैं कि बाघा ने सफाई करी कि नहीं करी। यार देखो गाइस नहीं करी यार। ओए बाघा, ए बाघा किधर है तू? ओ भाई कहाँ जा रहा है, बैग टांग के घर छोड़ के जा रहा है क्या तू? अच्छा तो मैंने देखो आईफोन नहीं दिलाया तो घर छोड़ के जा रहा है, तो मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे आईफोन नहीं मिलने वाला, मैं तेरी जगह पर 10 नौकर और रख लूंगा। हाँ जा निकल, तो पहली फुर्सत निकल, चले जा चले जा। ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है, नौकर है तो नौकर की तरह रहना भाई, सर भी कुछ चढ़ रहा है यार तू, आईफोन 15 की डिमांड कर रहा है। हाँ चल निकल तो, चल चले जा चले जा। यार सही में गाइस दिमाग खराब कर दिया था, मुझे मालूम है गाइस आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा उससे रूट पेश आया हूँ, तो गाइस देखो ऐसा करना पड़ा मुझे, क्योंकि अगर मैं उसकी डिमांड पूरी कर देता ना तो अगले बर्थडे पर ना मुझसे और खतरनाक वाली डिमांड करता। और भाई यार वो नौकर है उसके मैं इतना नखरे क्यों उठाऊं यार, ये सब जो है ना ये सब साफ मैं कर लूंगा भाई, किसी की जरूरत नहीं अपने को। चलो भाई साफ सफाई अपने देखो गाइस पूरी कर दी एकदम, घर अपने चकाचक कर दिया भाई, देखा अपने को कोई भागा वागा की जरूरत नहीं है। तो चलो भाई अभी क्या बज रहा है, ओ माय गॉड 9:30 बज रही है, इसका मतलब तारक मेहता होगा। फटाफट से बैठ गया गाइस देखते हैं, वो भागा के चक्कर में भी कोई भी एपिसोड देख ही नहीं पाया यार। चलो टीवी चालू करते हैं। अरे शिट यार मैंने न्यूज लगा दी यार, चलो एक काम करते देख ही लेते न्यूज में क्या आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, एक नौकर जिसका नाम है भागा। एक सेकेंड, ये न्यूज वाला एंकर भागा का नाम क्यों ले रहा भाई, ये भागा ने क्या कर दिया? उसने कर दिए हड़ताल क्योंकि उसके सेठ जी ने नहीं दिलाया आईफोन, उसके साथी कर रहे हर जगह तबाही, देखते हैं हड़ताल कब खत्म होती है। अरे भाई यार क्या नौटंकी है ये, भागा क्या कर रहा है, अपनी डिमांड पूरी करने के लिए आम जनता को परेशान कर रहा भाई ये तो। भाई मैं क्या करूं यार, एक सेकेंड इस पे अपनी क्या गलती, ये बाघा का मैटर है, बाघा ने वहाँ पर कर्फ्यू जाम करा है तो वही उसको सॉल्व करेगा, अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपन बैठ के चिल मारते हैं भाई, उसने चक्का जाम करा है पुलिस तो उसको पकड़ के ले जाएगी। अरे कौन हो आप लोग और ऐसा अंधाधुंध मेरे घर में कहाँ घुसे जा रहे हो, वो भी बिना पूछे? सर सर हम लोग हैं लल्लन टॉप चैनल से, आपकी वजह से आपके नौकर ने पूरा का पूरा रास्ता जाम कर दिया है जिसकी वजह से आम जनता को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? अरे भाई इसमें मैं क्या कहूँ, वो बागा मेरे से आईफोन 15 मांग रहा था और मैंने मना कर दिया, मेरी मर्जी मुझे नहीं देना उसको, अब इस चक्कर में उसने वहाँ पर चक्का जाम कर दिया है, तो भाई इसमें मेरी क्या गलती, आप जाके उसको पकड़ो। सर सर इसमें आपकी गलती है, आपने उसकी डिमांड पूरी नहीं करी है तो आपको उसकी डिमांड पूरी करना ही पड़ेगी क्योंकि आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है। रिपोर्ट
रिपोर्टर देखो मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं तुमको पकड़ के मारूंगा यहाँ पर, जाओ तो फटाफट यहाँ से निकलो। अरे मुझे मारो मत, मैंने बोल दिया ना मेरी गलती नहीं है, निकल लो यहाँ से, निकलो, भागो भागो, सब भागो यहाँ से, भागो, चलो भागो यहाँ से, भागो। सुबह सुबह मुंह उठा के आ गए बस। अच्छा मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट चलाऊंगा कि एक खड़ूस मालिक ने एक बेचारे नौकर पे करा अत्याचार, तुम बस देखते रहो। हाँ हाँ जाओ जाओ, जो चलाना चलाओ, तुम्हारा तो काम ही यही है, निकलो यहाँ से, निकलो, भागो यहाँ से, भागो, निकलो, तुम सब निकलो यहाँ से। यार गाइस सब यार सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आ जाते, वो बाघा भी पागल है यार, कुछ भी कर रहा है। 3 days later. बहुत ज्यादा टाइम हो गया यार, अब तो मुझे लगता है शायद बाघा ने अपना प्रोटेस्ट खत्म कर ही दिया होगा, पुलिस वालों ने शायद उसको वहाँ से खदेड़ के निकाल दिया होगा। अरे एक सेकंड, ये लोग कौन आ गए? अरे पुलिस, वहाँ पे शहर में तुम्हारे नौकर ने पूरे दंगे फसाद कर दिए, अपने साथियों के साथ मिलकर आग वाग लगा डाले पूरा। अरे तो भाई इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है, जाके आप बाघा को पकड़ो, मेरी क्या गलती इसके अंदर? तुम उसके मालिक हो और ये तुम्हारी जिम्मेदारी की, तुम उसका ख्याल रखो। अरे भाई ये कहाँ का कानून है? ये कानून तो मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं है, जाके उसको पकड़ो, उसकी जिम्मेदारी है, वो वहाँ पर दंगे फसाद कर रहा है, भाई मेरी क्या गलती इसमें? वहाँ पे चलो तुम और उसे समझाओ, तुम्हें वहाँ पे चलना ही पड़ेगा। हवलदार इसके लेकर चलो, चले जल्दी, चल गाड़ी में बैठ, चल जल्दी मेरे पीछे। अरे यार भाई मेरी क्या गलती इसमें यार, गाइस ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यार, गाइस ये बाघा की वजह से मैं तो मुसीबत में पड़ गया यार, ये पुलिस वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं, लगता मुझे इनके साथ जाना ही पड़ेगा। हवलदार इसे गाड़ी में भरो, जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ, चल जल्दी। हाँ हाँ चले जाऊंगा भाई मैं खुद ही, गाइस बैठे पड़ेगा, कोई अपने पास इसके अलावा रास्ता नहीं है। अरे ये पुलिस वाले मुझे कहाँ लेके आ गए? ये देखो तुम्हारे नौकर को, पूरे शहर का चक्कर जाम करके रह गए इसने, इससे आम जनता को कितनी तकलीफ हो रही होगी, और जाके उसे रुको, जल्दी समझाओ उसे, जाओ। यार ये बाघा ने कहाँ फंसा दिया यार, ये क्या कर रहा है, ये पूरा का पूरा चक्कर जाम कर दिया है, और यहाँ पर ये क्या बोर्ड लगा दिए भाई, हमारी मांगे पूरी करो या भाई। यार बाघा यार ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, पागल है क्या तू यार, एक जरा से आईफोन के लिए तू इतना बड़ा, तूने यहाँ पर चक्का जाम कर दिया है, चल फटाफट से सब खत्म कर, बचपना मत कर इधर तू। बागा इट इज जस्ट इनफ यार, ये सब खत्म कर, यहाँ पर बचपन मत कर तू यार, पागल वागल है क्या यार, ये क्या बोल रहा अब, आईफोन दो तभी चक्का जाम हटेगा। यार पुलिस साहब बागा मेरी बात तो नहीं मान रहा है, आप लोग कुछ करो यार, लाठी चार्ज कर दो इन पर। हम आम जनता पर लाठी चार्ज नहीं कर सकते, तुम जल्दी से बागा को मनाओ वरना जेल में जाओ। यार बागा प्लीज मान जा यार, मैं तेरे हाथ पैर जोड़ता हूँ प्लीज। यार गाइज ये तो नहीं मान रहा यार, लगता अपने को आईफोन इसको दिलाना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे यार, कैसे दिलाऊं इसको मैं, मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, और अगर मैंने आईफोन नहीं दिलाया तो यार ये पुलिस वाले भैया मेरे को जेल में डाल देंगे। जा जल्दी उसको आईफोन लगे दे, हमें ऊपर से ऑर्डर आया, आज के आज ही मैटर खत्म करना है हमें। अरे हाँ 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 मैं जा रहा हूँ यार, मुझे मारो मत, जा रहा हूँ। चलो चलो गाइस फटाफट से भागते यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे करूँ आईफोन का बंदोबस्त, यार ये पुलिस वाला तो जस्ट मेरे पीछे पड़ गया है बिल्कुल। दोस्तों मुझे आज कैसे भी बंदोबस्त करने पड़ेगा आईफोन का, लेकिन कैसे? और एक सेकंड गाइस, आइडिया आया मुझे, अगर आपको याद होगा तो मैंने ना 2 साल पहले ना जेडे को ना किडनी बेचकर आईफोन दिलाया था, और मैंने वो किडनी निकाली थी वो 2 बंदों की, जो मेरे घर को अनाथ आश्रम समझ के कब से रह रहे हैं। तो अपन एक काम करते हैं, चल के वो दोनों बंदों की ना किडनी निकालते हैं, और ब्लैक मार्केट में वो किडनी बेचकर ना जो भी उससे पैसा आएगा उससे आईफोन खरीद लेंगे। यस ये आइडिया सही रहे। देन गई उसके बाद मैं अपने घर गया, मैंने वो दोनों बंदों को टपकाया, उनकी किडनी निकाली, फिर वो किडनी मैंने ब्लैक मार्केट में बेचकर कम से कम 5 लाख रुपए कमाए। चलो भाई अपने किडनी बेचकर 150 पैसा कमा लिया है, इतने पैसे में यार एक आईफोन तो आ ही जाएगा। तो ठीक है फटाफट से अपन चलते हैं और आईफोन खरीदते हैं, और वो बाघे के मुंह पे मारते हैं, और साले ने सबकी नाक में दम करके रख दिया यार। ये देखो गाइस ये रहा अपना एप्पल आईफोन स्टोर, बाप रे कितना बड़ा यार ये, और साथ में कितना लग्जरियस भी है। वैसे कभी मेरा मन नहीं था यहाँ पर आने का, क्योंकि औकात ही नहीं थी, लेकिन यार बाकी वजह से आना पड़ा। तो ठीक है अब चलते हैं, चल के देखते हैं कौन सा नया लॉन्च हुआ है अभी, आईफोन 15। वो देखो गाइस वो रहा, अरे ये तो आईफोन 14 प्रो है, लेकिन यार अभी लेटेस्ट लॉन्च तो आईफोन 15 हुआ है ना, किधर है वो? और यहाँ पर ये सब क्या रखा है भाई, इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स, ये तो आज तक मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे भाई। ओ माय गॉड क्या मस्त एक से एक लैपटॉप रखे हुए इधर देखो तो, एंड यहाँ पर भी देखो गाइस कितने सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स रखे हुए भाई साहब, क्या ये सबकी कीमत कम से कम लाख के ऊपर ही भाई इधर तो। और इस सेकंड ये कौन सा लैपटॉप है, और ये तो गेमिंग लैपटॉप है यार। गाइस मेरा सपना था यार बचपन से कोई ऐसे ही लैपटॉप लूं यार, मैं आईफोन की जगह ये ले लूं क्या? सर 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 आपको ये लैपटॉप चाहिए, लेके जाओ, मस्त लैपटॉप है। हाँ मस्त तो है यार, लेकिन यार मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आईफोन 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो अभी लॉन्च हुआ है ना, वो है क्या आपके स्टोर पर? हाँ सर है ना, इधर आओ ना, दिखाओ दिखाओ फटाफट से दिखाओ यार, मुझे मेरे नौकर के लिए चाहिए। हैं नौकर के लिए? बहुत तगड़ी पार्टी दिख रहे हो आप, ऐसे ही कुछ समझो आप। अरे आप तो मुझे आईफोन 15 दिखाओ जल्दी से यार, टाइम पास मत करो। तो ये है आईफोन 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स पूरा डब्बा पैक, इसको अपने हाथ में लेकर फील कर देखो। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ, बाप रे गाइस देख रहे हो,
ओ भाई साहब क्या लग्जरियस फोन है यार, हाथ में लेते ही मजा आ गया। सर इसमें iOS 16 बायोनिक चिप है, 1 TB स्टोरेज, डायनेमिक आइलैंड एंड 48 मेगापिक्सल कैमरा है जिससे आप चांद की भी फोटो ले सकते हो। बस 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 भाई बस, आराम से। ये सब चीजों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, आप बस बताओ इसकी कीमत कितनी है। ये आईफोन पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए का है। बाप रे 2.5 लाख रुपए, भाई आपका दिमाग तो सही है ना यार। गाइस ये बंदा क्या बोल रहा है, 2.5 लाख रुपए का एक फोन बस। यार गाइस अपने को जो 5 लाख रुपए मिले हैं उसमें से पूरे आधे पैसे चले जाएंगे यार। तो सर आपका इसमें डिसीजन क्या है? यार मैं बोल रहा था कभी थोड़ा सा सस्ता हो जाए। तो सर लेना है तो लो वरना जल्दी यहाँ से निकलो। अरे 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 एक काम करो, चलो पैक कर ही दो यार, ये लो कर दो पैक। सर आप रुको मैं पैक करवा के लाता हूँ, तब तक आप मेरे असिस्टेंट को पेमेंट कर दो। ठीक है कर देते हैं। ये लीजिए पूरे के पूरे 2.5 लाख रुपए, यही बता रहा हूँ गाइस, बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के मैं पूरा पेमेंट कर रहा हूँ। तो सर ये लीजिए आपका आईफोन 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स। ओ भाई साहब ये डब्बा कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है क्या? नहीं बड़ा नहीं, छोटे है गाइस। चलो भाई आईफोन 15 का तो बंदोबस्त हो गया, अब फटाफट से चल के अपन बाघा के मुंह पे मार के आते हैं और उसका प्रोटेस्ट खत्म करते हैं। चलो भाई मैं प्रोटेस्ट के लोकेशन पर आ गया हूँ, और यार यहाँ पर तो और ज्यादा पुलिस बढ़ चुकी है, अब लगता है बाघा ने अपना प्रोटेस्ट एक लेवल और बढ़ा दिया यार। शेट, चलो कोई ना उसको ये आईफोन देकर ना ये पूरा प्रोटेस्ट खत्म करते हैं। ये ले बागा तेरा आईफोन 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स, खुशी हो रही कि नहीं हो रही तुझे? अब यार बागा प्लीज यार, ये आईफोन 15 लेने के बाद प्लीज अपना प्रोटेस्ट खत्म कर देना प्लीज। तो ये ले भाई एंजॉय। अरे अब क्या बोल रहा है ये भाई, प्रोटेस्ट बंद करना भाई, बस क्या बोले जा रहा है, मैं प्रोटेस्ट खत्म नहीं करूंगा। अरे भाई क्यों, देखो मैंने दे तो दिया आईफोन 15 प्रो मैक्स, यार तू मुझे चूना मत लगा प्लीज, खत्म कर ये सब। यार ये क्या फेंक रहा है ये साबुन? यार भाई तू मुझे ये साबुन क्यों दे रहा है भाई, पागल वागल हो गया है क्या, इसका मैं क्या करूं? यार अभी क्या बोल रहा है यार, वो आईफोन के डब्बे में से साबुन निकला, मुझे चूना मत लगाओ, अब मैं और प्रोटेस्ट करूंगा। अरे अरे भाई क्या कर रहा है ये, तो यहाँ पर आग लगा रहा है यार, और रुक जा भाई, पागल वागल हो गया क्या? यार गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा यार, वो आईफोन के डब्बे में से साबुन निकला, इसका मतलब वो दुकानदार ने शायद अपने को चूना लगा दिया यार। भाई रुक जा भागा, ओए भागा ये सब मत कर, इधर आग मत लगा, रुक जा मैं तुझे आईफोन लाके देता हूँ। यार मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देख रहे नौकर यहाँ पे दंगेबाजी कर रहे, तूने आईफोन लाएगा? अरे अरे सर मुझे मत मारो यार, मेरी गलती नहीं है, जा रहा हूँ मैं आईफोन लेके आता हूँ। यार गाइस मुझे लगता है मुझे वो दुकानदार के पास जाना पड़ेगा यार, उसने अपने को चूना लगा दिया है। अबे ओ आईफोन डीलर अरे भाई तू ये क्या है, तूने मुझे चूना लगा दिया आईफोन 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स की जगह, तूने मुझे क्या दे दिया साबुन? कुछ भी झूठ बोलता है, ये ले तेरा साबुन, भाग यहाँ से। भाई यार तुम बदमाशी मत कर, मुझे मालूम है तूने आईफोन के डब्बे में मुझे ये साबुन चिपका दिया। कुछ भी बोलता है, अपना साबुन पकड़ और भाग जा यहाँ से। यार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं यार। बॉडीगार्ड्स इसको उठा के बाहर फेंक दो। प्लीज यार प्लीज मेरे साथ यार प्लीज बदमाशी मत करो यार, मैं गरीब आदमी हूँ यार प्लीज। ए जा चल निकल यहाँ से। अरे अरे यार गाइस यार ये तो मान ही नहीं रहा यार, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा यार, मैं क्या करूँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा यार। मुझे मालूम है ये आईफोन डीलर ने अपने साथ बदमाशी करी है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा यार। रुक जा तुझे मैं सबक सिखा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। जाता है या फिर लेकर आऊं चप्पल? यार ये बहुत बदतमीज है यार साथ में, मैं क्या करूँ मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है यार। अपन एक काम करते हैं, ये शहर में ना मेरा एक परम मित्र रहता है, अपन चल के ना उसको पूरा का पूरा मैटर बताते हैं, उसके पास जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। चलो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने दोस्त के वहाँ, यही मेरा रहता है परम मित्र मिस्टर बीड़ू। अरे मिस्टर बीड़ू मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? अरे मेरे भाई इतने दिनों बाद, आजा। और भाई कैसे आना हुआ? नहीं यार बीड़ू यार मैं क्या बोलूं यार, मैं बहुत बड़ी परेशानी में आ चुका हूँ। हाँ मालूम है तुम्हारा बागा प्रोटेस्ट कर रहा है। अरे हाँ वो तो एक प्रॉब्लम है ही सही, लेकिन उससे भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी मेरे साथ। मेरे साथ ना एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो चुका है। कैसा स्कैम? आओ बैठ के बात करते। यार बीड़ू मैं क्या बताऊँ, मैंने एप्पल आईफोन स्टोर पर ना आईफोन लेने गया था, वो भी आईफोन 15, लेकिन वो दुकानदार ने मेरे को आईफोन 15 के डब्बे में एक साबुन चिपका दिया और ऊपर से मेरे से 2.5 लाख रुपए भी ले लिए भाई। ओह माय गॉड ये तो बहुत बड़ा स्कैम हुआ तेरे साथ। हाँ वही, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ यार, या मुझे कुछ बताना, आइडिया दे यार मुझे। क्या कर सकते हैं? हाँ आइडिया। अरे हाँ जल्दी बताओ क्या है तुम्हारे पास आइडिया? देख प्लान ऐसा है कि मैं उसके दुकान पे जाऊंगा आईफोन लेने, और उधर ही अनबॉक्स कर दूंगा एंड उधर ही उसका भांडा फूट जाएगा। वैसे तुम्हारा आइडिया तो सही है, वैसे ये काम भी ना मुझे उसी वक्त करना था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने उसी टाइम अनबॉक्स करा ही नहीं। हाँ आजकल के कस्टमर लोग यही करते हैं। और ना मेरे प्लान में ना एक बड़ा ट्विस्ट है, मैं ना कैमरा लेके जाऊंगा। कैमरा?
कैसे? मेरे पास ना एक शर्ट है, उसमें ना कैमरा लगा हुआ है। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे तो उसको फिर मालूम पड़ जाएगा। अरे नहीं, उस शर्ट में ना बटन वाला कैमरा है। अरे वो कैमरा इतने सीक्रेट जगह पे छुपाया हुआ है ना, वो किसी को दिखता भी नहीं। और उधर जो भी कुछ होगा ना, मेरे कैमरे में रिकॉर्ड कर दूंगा और तू मीडिया को जाके बुला देना, और वो सबूत हम लोग मीडिया और पुलिस को दे देंगे और वो चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है फिर, चलो ये प्लान अपन एग्जीक्यूट करते हैं। चलो ये प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, मैं तब तक कपड़ा चेंज करके आया। दोस्त मैं रेडी हो गया। तो ठीक है फिर, चल के फटाफट से उसकी वाट लगा देते। हाँ चलो। बस बस रोक दो गाड़ी, ये रहा वो एप्पल आईफोन स्टोर। ओके, तुम ना यहाँ पे छुप जाओ, मैं उधर जाके उसका भांडा फोड़ के आया। लेकिन प्लीज संभल के, मेरे को जैसे ही प्रूफ मिलेगा तुम मीडिया और पुलिस को फोन कर देना। ठीक है, देखते गाइस क्या होता है, क्या अपना ये प्लान सक्सेसफुल होगा। यार मुझे कोई आइडिया नहीं है। हेलो हेलो, ये दुकान का मालिक कौन है? मेरे को आईफोन लेना है। ओके सर, बोलिए आपको क्या दिखाऊं? मेरे को आईफोन 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स चाहिए। जी, आइए, आप काउंटर पे पेमेंट कीजिए, मैं आपको पैकिंग करवा के देता हूँ। आईफोन 15। सर ये लो आपका पेमेंट। सर ये लीजिए आपका आईफोन 15। चलो भाई मैं यहाँ पे खोल के देखता हूँ। नहीं 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 सर, इधर मत खोलिए, घर जाके खोलिए। क्यों क्यों सर, मैं यहीं पर ही खोलूंगा। ये देखो आईफोन के डब्बे में से साबुन निकला, तू मेरे को चूना लगाएगा क्या? बॉडीगार्ड जल्दी से दुकान से बाहर फेंको। मेरे को बचाओ, जल्दी से मीडिया और पुलिस को बुलाओ। गाइस वीडियो को सिग्नल आ गया है, चलो फटाफट से अपन मीडिया और पुलिस वालों को बुला लेते हैं यहाँ पर। हेलो मीडिया पुलिस, जल्दी से आ जाओ, मैं एक बहुत ही बड़े स्कैम के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे कॉल के बाद वहाँ पर काफी सारी मीडिया और पुलिस वाले आ गए। देन उन्होंने बीड़ू का सबूत देखा और वो एप्पल स्टोर के मालिक को पकड़ के ले गए। एंड साथ में गाइस इतना ही नहीं, वो एप्पल स्टोर के मालिक ने जिस जिसको चूना लगाया था ना, वो सब बंदों ने आकर उसका पूरा का पूरा एप्पल स्टोर लूट लिया। एक बंदा कम से कम 5-6 आईफोन लेके भाग गया। मैंने भी गाइस लगे हाथ वो आईफोन स्टोर से बहुत सारे आईफोन लूट लिए। मैंने फिर बागा को आईफोन देकर उसका प्रोटेस्ट भी बंद करवा दिया और फिर बाकी के आईफोन मैंने बाबूजी, जेठिया, दया सब में बांट दिए और इस तरह मुझे भी एक फ्री का आईफोन मिल गया।